बाहुबली। फ्रेंड्स आज हम एक्सरसाइज 4.2 करने जा रहे हैं। 4.2 में आप लोगों को बताया था कि हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स मतलब हमारे पास एक्स माइनस वन है, ये लीनियर फैक्टर है, और उसकी पावर हमारे पास 2 है, तो ये रिपीट हो रहा है, यानी एक्स माइनस वन दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। जब हमने इनकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का तरीका का ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ए ओवर फर्स्ट फैक्टर उसकी फर्स्ट पावर प्लस बी ओवर उसी फैक्टर की सेकेंड पावर एक्स प्लस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस टू। ये हमारे पास बन गई पार्शियल फ्रैक्शन, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा ये काम होता है, हमने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू ऑन बोथ साइड्स। ये हमारा एलसीएम है, हमने इस एलसीएम के साथ दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बाकी बचता है स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू। अब ये हमारे पास ए वाली जो फ्रैक्शन है ए ओवर एक्स माइनस वन, इसको जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू, ये एक्स माइनस वन इस ए कट जाएगा और बाकी ए हमारे पास बच जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी, बी ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है। जब हम इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमारा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा बी इंटू एक्स माइनस टू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी इंटू एक्स माइनस टू प्लस सी। अब सी वाली जो फ्रैक्शन है हमारे पास सी ओवर एक्स माइनस टू है, इसको जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे c इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 तो हमारी यहाँ इस इक्वेशन तक हल हो जाती है, लेकिन हमने इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करना है ताकि हम बाकी जो हमारे पास कॉन्स्टेंट हमने रखे हैं उन कॉन्स्टेंट का हम वैल्यू फाइंड कर सकें। तो सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, एक्स को टू के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस टू एक्स, एक्स को वन से मल्टीप्लाई करें माइनस वन एक्स, माइनस और माइनस प्लस टू अंदर टू प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बी एक्स माइनस टू बी प्लस सी इंटू, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, ये हमारे पास पड़ रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसको हम जी सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स वाले दोनों टर्म्स हैं माइनस के हैं तो माइनस और माइनस होता प्लस है साइन माइनस का, टू और वन 3x प्लस 2 प्लस बी एक्स माइनस टू बी प्लस सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें सी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ए को मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए एक्स प्लस 2 ए प्लस बी एक्स माइनस 2 बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमें देखना है यहाँ पे फैक्टर्स, इन फैक्टर में से एक को लीनियर फैक्टर को x माइनस वन को पुट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, हमने इसको जीरो के बराबर रखना है, और जो जीरो के बराबर रखा है चाहे वो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर लें चाहे वो इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट कर लें, तो हमारे पास किसी एक कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने रखा है ए ओवर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन को जीरो के बराबर रखा तो हमारे पास वैल्यू निकलती है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, यहां जगह अब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 है हमारे पास ये, तो एक्स की जगह पे 1 माइनस 3 एक्स की जगह पे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस 1
वन माइनस टू प्लस बी इंटू वन माइनस टू प्लस सी इंटू वन माइनस वन और ऊपर फोर स्क्वेयर है तो वन का स्क्वेयर वन माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू ये वन माइनस वन जीरो हो गया। जीरो से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे सारा कुछ ही जीरो प्लस टू में से वन माइनस होंगे तो माइनस वन बी बचेगा प्लस सी वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। अभी हमारे पास वन और वन टू हो गया टू प्लस क्या है थ्री माइनस क्या है तो हमारे पास बचेगा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन बी तो ये माइनस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू वन ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट काम होता है हमने देखना है पावर के बगैर वाला जो फैक्टर है उसको दोबारा जीरो के बराबर रखना है तो ये हमारे पास एक्स माइनस टू इसको हमने जीरो के बराबर रखना है बुट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन टू हमने इक्वेशन नंबर टू में वैल्यू रख देनी है। जब इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे एक्स की जगह पे टू एक्स की जगह पे टू वैल्यू रखेंगे तो टू का स्क्वेयर माइनस थ्री इंटू टू प्लस वन इज इक्वल टू यहां पे स्टूडेंट देखिए मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट करने लगा हूं यहाँ पे इक्वेशन नंबर टू में हमारे पास टू माइनस वन टू माइनस टू रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसलिए ए की वैल्यू तो हमारे पास जीरो हो गई प्लस बी की वैल्यू टू माइनस टू रखेंगे तो बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे टू माइनस वन रख सकते हैं क्योंकि ये जीरो नहीं होगी तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकल आएगी वो कॉन्स्टेंट सी है हमारे पास तो टू का स्क्वेयर फोर माइनस थ्री टू सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू c इंटू टू माइनस वन वन ही रहेगा तो वन सी और वन का स्क्वायर लेंगे वो भी वन ही आएगा तो फोर और वन फाइव फाइव में से सिक्स माइनस वन होंगे तो माइनस वन इज इक्वल टू सी ये हमारे पास सेकंड वैल्यू निकल आई c की। अब हमने थर्ड वैल्यू के लिए देखना है कि कोई पावर के बगैर हमारे पास फैक्टर मौजूद है क्वेश्चन नंबर वन में तो पावर के बगैर तो फैक्टर मौजूद नहीं ये दो ही फैक्टर थे तो अब तीसरा काम हमने ये करना है कि हमने इक्वेशन नंबर थर्ड में से कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। अब जब कोफिशिएंट इक्वल करने का तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स हमने कंपेयरिंग करनी है कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वेयर इधर भी एक्स स्क्वेयर इधर भी एक्स स्क्वेयर हाईएस्ट पावर इस सारे इक्वेशन में हमारे पास एक्स स्क्वेयर है तो हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ मालूम है हमने वो सी की वैल्यू हमें पुट करके ए की वैल्यू फाइंड कर लेनी है तो वन इज इक्वल टू ए इंटू सी की वैल्यू हमारे पास माइनस वन है दूसरी साइड पे जाके ये प्लस वन हो जाएगी इज इक्वल टू ए तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टू। तो ये स्टूडेंट हमने हमारे जो तीन कोफिशिएंट थे ए बी और सी हमने तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट काम ये होता है कि हमने ये वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर वन में ताकि हमारी पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो कंप्लीट हो। तो हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन क्या थी वो इक्वेशन हमने बनानी है पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में सॉरी क्वेश्चन नंबर वन में वैल्यू रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ए की जगह पे वैल्यू रखनी है ए की वैल्यू हमारे पास टू आई है टू ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आई है वन तो वन ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वन ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू हमारे पास माइनस वन आई है तो माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे टू ओवर एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा वन ओवर एक्स माइनस टू। स्टूडेंट्स ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है क्वेश्चन। अब हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है।
स्टूडेंट के हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, हमने उसको सिंप्लीफाई करना है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस इलेवन ओवर एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री, हमें करना है ए ओवर फर्स्ट फैक्टर उसकी फर्स्ट पावर एक्स प्लस टू प्लस बी ओवर सेकेंड प्लस सी ओवर थर्ड फैक्टर जो हमारे पास जो भी होगा एक्स प्लस थ्री, और इसको हमने इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देना है। उसके बाद हमने क्या करना था स्टूडेंट, हमने मल्टीप्लाई करना है एलसीएम के साथ, एलसीएम हमारा यही बनता है, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से सारा एलसीएम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू ए इंटू ए वाली फ्रैक्शन के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए ओवर एक्स प्लस टू, इसको जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू एक कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचता है ए इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी, बी वाली जो फ्रैक्शन है हमारे पास बी ओवर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है, इसको जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बाकी बचता है बी इंटू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस सी इंटू, जब सी वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ओवर एक्स प्लस थ्री है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री, तो ये एक्स प्लस थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बाकी बच जाएगा सी इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू बन गई है। अब हमने इस इक्वेशन नंबर टू को मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू ए इंटू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस थ्री एक्स, एक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू एक्स, एक्स को थ्री से मल्टीप्लाई, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री टू टू सिक्स प्लस बी एक्स प्लस थ्री बी प्लस सी इंटू, ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू फाइव एक्स प्लस सिक्स प्लस बी एक्स प्लस थ्री बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस फोर सी एक्स प्लस फोर सी। हम जी सिंप्लीफाई करेंगे ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ए एक्स प्लस सिक्स ए प्लस बी एक्स प्लस थ्री बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस फोर सी एक्स प्लस फोर सी, इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे पास इक्वेशन नंबर वन में से कौन सा फैक्टर बगैर पावर के है। तो ये हमारे पास बगैर पावर का फैक्टर जो पहला फर्स्ट फैक्टर है, पुट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन टू, हमने इसको इक्वेशन नंबर टू में वैल्यू रखनी है। जब इक्वेशन नंबर टू में वैल्यू रखेंगे तो इधर एक्स की जगह पे टू रखते हैं, माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सेवन इंटू माइनस टू प्लस इलेवन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस टू है, जब इधर माइनस टू रखेंगे माइनस टू और प्लस टू जीरो हो जाएगा, तो ए की वैल्यू सी सी जीरो हो गई, प्लस यहाँ पे बी इंटू माइनस टू प्लस थ्री प्लस, इसकी जगह पे जब माइनस टू रखेंगे तो माइनस टू और प्लस टू जीरो हो जाएगा, तो सी के साथ भी जीरो, तो यहाँ पे हमारे पास टू का स्क्वायर फोर माइनस कैंसिल आउट हो गया क्योंकि इवन पावर है, प्लस माइनस माइनस सेवन टू दर फोर्टीन प्लस इलेवन इज इक्वल टू, थ्री में से टू माइनस होंगे तो वन बी, क्योंकि बड़ी पावर के बड़ी रकम के साथ हमारे पास प्लस है, और इलेवन और फोर फिफ्टीन हो गए और फिफ्टीन में से फोर्टीन माइनस हुआ तो वन इज इक्वल टू बी, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, वो हमारे पास बी है।
अब हमने देखना है कि सेकंड हमारे पास जो बगैर पावर के फैक्टर है वो हमारे पास है x प्लस थ्री, हमने उसको पुट करना है 0 के इक्वल। पुट x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसकी जगह पे माइनस थ्री रखेंगे, माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस थ्री प्लस 11 इज इक्वल टू। अब इसकी जगह पे जब माइनस थ्री रखेंगे, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास ए वाला सारा फैक्टर जीरो, प्लस इसकी जगह पे माइनस थ्री रखेंगे, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो हो जाएगा, प्लस सी इंटू इसकी जगह पे माइनस थ्री रखेंगे तो माइनस थ्री प्लस टू का होल स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर 9 माइनस 7 3 21 प्लस 11 इज इक्वल टू सी इंटू, थ्री में से 2 माइनस होंगे तो माइनस 1 का होल स्क्वायर तो वो प्लस 1 बन जाएगा, 11 और 9 20 हो गया, और 20 में से 21 माइनस होंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब हमारा नेक्स्ट काम यह है कि हमने देखना है कि इधर कोई और फैक्टर नहीं बचा हमारे पास, तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 3 में से हमने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसके कोफिशिएंट हमने दोनों साइड से इक्वेशन 3 के कंपेयर कर लेने हैं। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इधर एक्स के साथ हमारे पास 1 है, तो 1 इज इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास ए है प्लस सी है, तो 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इधर सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो ए प्लस सी की वैल्यू है माइनस 1, ये जब माइनस का दूसरे साइड पे आके प्लस का हो जाएगा तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट हमारे पास जो तीन कोफिशिएंट, तीन कांस्टेंट थे ए बी और सी, हमने तीनों की वैल्यू फाइंड कर लिया और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। अब यहां से रेज कर लेते हैं, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 11 ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इनटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आई है 2 ओवर x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई है 1 ओवर x प्लस 2 प्लस c की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस 1, तो माइनस 1 ओवर x प्लस 3, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ओवर x प्लस 2 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 ओवर x प्लस 3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है।